Sean. डीडी किसान बदलते भारत की शान। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केसीसी के तहत लिए गए 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए ब्याज सहायता योजना को जारी रखने की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में दिया जवाब। कहा, भुगतान में देरी पर बीमा कंपनी को देना होगा 12% जुर्माना। और हरियाणा सरकार ने किसानों का 133 करोड़ 55 लाख रुपए का कर्ज किया माफ। फसलों पर एमएसपी को लेकर भी नायब सिंह सैनी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह के जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि कार्य के लिए लिए गए 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए ब्याज सहायता योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर लोन मिलता है। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को सरकार 3% सालाना अतिरिक्त ब्याज सहायता राशि देती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस योजना के तहत किसानों को 2024-25 के दौरान 4% सालाना ब्याज दर पर अल्पकालिक लोन उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों के लिए भी शॉर्ट टर्म लोन पर यही ब्याज दर लागू होगी। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ब्याज में छूट फसल की कटाई के बाद 6 महीने तक उपलब्ध होगी। इसका मकसद किसानों को अपनी उपज को बाजार में जल्दी बेचने से रोकना और गोदामों में रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं में कई कठिनाइयां थीं जिन्हें नई योजना ने दूर कर दिया है। अब किसानों को उनकी उपज का उचित मुआवजा मिल रहा है। बीमा कंपनियों को क्लेम देने में देरी पर 12% पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की ओर से अब तक चुकाए गए 32,440 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले 1,64,000 करोड़ रुपए क्लेम की पेमेंट की जा चुकी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू की गई नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों का भरोसा जीता है। हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार ने सूबे के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदेगी। हालांकि हरियाणा में पहले से ही 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद होती थी, लेकिन अब 10 नई यानी कुल 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। गेहूं, धान, सरसों, जौ, चना, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूंग, मूंगफली, अरहर और उड़द जैसी फसलों की खरीद पहले ही एमएसपी पर होती है। नए ऐलान के बाद जो 10 फसलें और खरीदी जाएंगी उनमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग शामिल हैं। कुरुक्षेत्र से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम सैनी ने किसानों का 133 करोड़ 55 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया। देश भर के किसानों ने खरीफ फसल सीजन में अगस्त के शुरुआती हफ्ते में तुअर की बुआई का रकबा 1/4 से ज्यादा बढ़ा दिया है।
इनमें प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त तक तुअर की कुल बुआई 26% बढ़कर 41.89 लाख हेक्टेयर हो गई, जबकि पिछले साल ये 33.27 लाख हेक्टेयर थी। कर्नाटक तुअर की खेती के मामले में सबसे आगे है। इस सीजन में 15.2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में तुअर की खेती की गई है। कर्नाटक में तुअर की खेती का क्षेत्रफल 59% बढ़कर 15.29 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल 9.05 लाख हेक्टेयर था। इस बार तुअर की बुआई का रकबा बढ़ने का मुख्य कारण समय पर मानसून का आना और रोपाई से पहले बाजार में तुअर की कीमतों का बढ़ना बताया जा रहा है। इस वजह से किसान इसकी ओर आकर्षित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को मॉडर्न कृषि तकनीक सिखाने के लिए विदेश भेजने की तैयारी कर रही है। मूंगफली, मिर्च, मटर समेत अन्य फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए यूपी सरकार क्लस्टर विकसित करने की तैयारी कर रही है, जबकि कृषि प्रोडक्ट के निर्यात के लिए जेवर हवाई अड्डे के पास निर्यात केंद्र स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। वहीं पूर्वांचल बुंदेलखंड में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर खास फोकस रहेगा। उत्तर प्रदेश में फसल उत्पादकता बढ़ाने और मूंगफली, मिर्च समेत अन्य फसलों के लिए क्लस्टर विकसित करने के लिए योगी सरकार अलग अलग योजनाओं पर काम कर रही है। पान न केवल लोगों के मुंह का स्वाद बदलता है बल्कि किस्मत भी बदल सकता है। Mandi.com में आज हम बात करने वाले हैं पान की और पान की खेती कर रहे किसानों की। देश में जो किसान पान की खेती करते हैं उन्हें कितना फायदा मिलता है या उन किसानों को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, पान अन्य फसलों की तुलना में बेहद लाभकारी क्यों है, ऐसी कई पहलू हैं जिस पर हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का Mandi.com में, और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। पान हिंदुस्तानी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के हर हिस्से में पान खाना और खिलाना मेहमान नवाजी की रस्म को कायम रखने का अहम जरिया भी है, और यही पान महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में रहने वाले किसानों की किस्मत बदल रहा है। वैसे तो यवतमाल जिले में ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करते हैं, तो वहीं कुछ किसान अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे पान बन रहा है किसानों की शान, देखिए Mandi.com के इस खास रिपोर्ट में। पान की खेतों में काम कर रहे ये किसान विष्णु यादव हैं। विष्णु यादव महाराष्ट्र यवतमाल जिले के उमड़खेर तहसील के रहने वाले हैं। इलाके में ज्यादातर छोटे जोत वाले किसान हैं, जो अमूमन अपने खेत में हल्दी, कपास, तुअर और मूंगफली की खेती करते हैं। विष्णु यादव अपने खेत में सामान्य फसलों के साथ पान की परंपरागत खेती भी करते हैं। Mandi.com की टीम ने जब विष्णु यादव के साथी किसान रविशंकर गांजरे से बातचीत कर पान की खेती के बारे में जानने की कोशिश की, तो पता चला कि यह आसान काम नहीं है। यही वजह है कि इलाके में हर कोई पान की खेती नहीं कर पाता है। हालांकि इस इलाके में राजा महाराजाओं के समय से ही पान की खेती की जाती है। पान की खेती करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि पान को मौसम की मार से बचाने के लिए कई जतन करने पड़ते हैं। पान की खेती करता हूँ सर, मैं कम से कम 20-25 साल से मैं खेती कर रहा, तो ये लगाने को जून महीना शेवर लगानी पड़ती, ये हमारी परंपरागत खेती है सर। हमारे दादाजी और पिताजी वो जब से करते आ रहे हैं, उन्हीं से हमने सीखा वाला है, उन्हें जैसे करते थे उसकी तरह से सीख के हम कर रहे हैं सर। पान की खेती एक खास तरीके से पंक्तिवार विधि में की जाती है। पंक्तिवार विधि में सिंचाई और निराई गुड़ाई करने में भी आसानी होती है। पंक्तिवार विधि में हर पंक्ति के बीच की दूरी 90 से 100 सेंटीमीटर और दो पौधों के बीच की दूरी 10 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे पौधों के ग्रोथ में आसानी होती है। पान की खेती के लिए दोमट और चिकनी मिट्टी सबसे उपयोगी होती है।
इस खेती के लिए सबसे पहले किसानों को बरेजा तैयार करना होता है। बरेजा तैयार करने में बांस और पुआल की जरूरत पड़ती है, लेकिन आजकल बरेजा के लिए किसान सहजन यानी मुरिंगा का पौधा पहले लगाते हैं। पान की खेती के दौरान बरेजा बनाने में ही ज्यादा समय और पैसा लगता है। एक बार जब बरेजा तैयार हो जाता है तो सालों साल चलता है। जून महीने में इसकी शेवर लगाते हैं हम, शेवर माने सपोर्ट इसका, और अगस्त महीने में पान के बेल लगाते हैं। बेल लगाने के बाद एक महीने के बाद वो बेल काड़ी पर चढ़ाते हैं, सपोर्ट पर बेल चढ़ने के बाद वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, और दो चार महीने तक उसको पानी देना, उसकी पत्ते की कटाई करना, वो जो अपन ने सपोर्ट दिए वाला है छाव के वास्ते और वो खड़ा करने के वास्ते, तो उसके वो कटाई करना ऊपर की, वो काम चालू रहता कम से कम 4-6 महीने उसको काम करना पड़ता। उसमें 6-7 महीने के बाद धीरे धीरे उसका उत्पादन चालू हो जाता। पहले शुरू में कम रहता, लेकिन जैसे जैसे बेल बड़े होने लगे वैसा वैसा उत्पादन बढ़ने लगता सर उसका। पान की खेती के लिए दोमट और चिकनी मिट्टी बेहतर मानी जाती है, साथ ही खेतों में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों को पान की खेती से पहले मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती के लिए फरवरी से अप्रैल का महीना बेहतर समय माना जाता है। पान के पौधों की रोपाई कलम से तैयार पौधों के रूप में की जाती है। कलम को तैयार करने के लिए 1 साल पुराने पौधों को चुना जाता है। इसके बाद इन बेलों को नर्सरी में तैयार किया जाता है। उसके बाद खेत में तैयार पंक्तियों में पान के बेल की रोपाई की जाती है। तैयार पंक्ति के दोनों ओर बेलों को लगाया जाता है। इस दौरान बेल की 2-3 गांठ मिट्टी में दबा दी जाती है और बाकी भाग बाहर रहता है। तो शुरुआत सर, पहले इसको ये शेवर लगानी पड़ती है, जो सोपट बोलते हैं अपन पान की बेल लगाने के वास्ते, तो वो शेवर 1-2 महीने में 4-5 फीट की हो जाती। बाद में उसको पान मल्ले के बेल लगा देने के उसमें, और वो चालू होने में कम से कम 1 साल 8-9 महीने लग जाते उसको। 8-9 महीने बाद वो उसका उत्पादन चालू हो जाता। चालू होने के बाद कंडीशन ये रहती कि पहले जो बेल लगाए वाले है वो सिंगल रहते, उसमें माल कम निकलता, तो 9 महीने के बाद इसको ऐसा नीचे लेना पड़ता, तो उसको हम पतपन करना बोलते हैं उसको हमारी भाषा में, तो उसको नीचे लेते हैं और उसको और मजबूती मिलती और बाद में और बड़े हो जाते हो और उससे उत्पादन दुगना हो जाता अगले साल में उसका। पान की बेल की सबसे अधिक वृद्धि का सीजन बारिश का मौसम होता है। अच्छी नमी होने से पत्तियों में पोषक तत्वों का अच्छा संचार होता है, तने और पत्तियों का अच्छा विकास होता है और अच्छा उत्पादन होता है। किसान पान की फसल को सर्दी, बारिश और गर्मी से बचाने के लिए चारों ओर घास फूस की दीवार बनाते हैं। गर्मी में तापमान 45 डिग्री से ऊपर होने के चलते दिन में 5 से 6 बार पानी देना पड़ता है, तब जाकर 4-5 महीने में फसल तैयार होती है। पान के फसल की परवरिश बच्चों की तरह करनी पड़ती है। जब पान के पौधों में लगे पत्ते चमकदार और कड़कदार दिखाई देने लगते हैं, तब उनकी तुड़ाई की जाती है। पत्तों की तुड़ाई के समय उन्हें डंठल सहित तोड़ना होता है, इससे पत्ता लंबे समय तक ताजा रहता है। मुनाफा मिलता है सर, लेकिन कैसा रहता है ये मौसम पर सब निर्भर रहता। अगर हवा इसमें से ज़्यादा नुकसान हो गया तो मुनाफा कम मिलता। अगर सीधा सीधा अच्छा रहा, मार्केट मिला, मार्केट में माल ज़्यादा निकला, मौसम अच्छा रहा, तो उत्पादन इसका ज़्यादा मिलता। और अभी कैसा ये 4-5 साल में उत्पादन इसका कम मिल रहा हमको, उत्पादन ज़्यादा नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र के यवतमाल में पान की खेती के जरिए कुछ किसान अपनी किस्मत बदल रहे हैं। यही वजह है कि इस इलाके में पान की व्यवसायिक खेती होने लगी है। पान के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु आवश्यक है, जहां विस्तृत छायादार और नम वातावरण उपलब्ध होता है। अपने देश के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में जहां वर्षा ज्यादा तथा सामान्य रूप से होती है, वहां इसकी पैदावार अच्छी होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में लगभग 40,000 हेक्टेयर खेत में पान की खेती होती है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में लाखों लोग पान की खेती में लगे हैं। यही वजह है कि दूसरी फसलों के मुकाबले पान की खेती पर किसान ज्यादा ध्यान देते हैं। आमदनी के हिसाब से बोले तो सर, मेहनत करे और समझो कोई उपदा नहीं आई, नैसर्गिक उपदा, तो आमदनी सर कौन सा भी पीक ऐसा नहीं है खेती में का जो इतकी, समझो ये आधा एकड़ जितना देता
दूसरा कौन सा भी पीक आधा एकड़ नहीं दे सकता इसमें। कम से कम 2 एकड़ सोयाबीन लगाया तो भी इसकी नहीं बराबरी कर सकता, 2 एकड़ हल्दी भी लगाई तो भी नहीं कर सकती जितना ये देता है। लेकिन इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है सर, मेहनत करे तो मिलता, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता सर। पान की खेती उन इलाकों में अच्छी होती है जिन इलाकों में बारिश की वजह से नमी ज्यादा रहती है, इसीलिए दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्य पान की खेती के लिए अनुकूल हैं। पान के पौधों को न्यूनतम 10 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक ठंड या गर्मी में पान की खेती को नुकसान पहुंच सकता है। महाराष्ट्र में पान की खेती मुख्य रूप से बरिया और लिंगायत समाज के लोग करते हैं जो उनकी पुश्तैनी खेती मानी जाती है। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। अकेले घर की बागवानी से नहीं बनेगी बात, लेना पड़ेगा हमें अब सबका साथ। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से mandi.com में। महाराष्ट्र के यवतमाल के अलावा देश भर में पान की खेती पहले बहुत अधिक होती थी, लेकिन अब पान की खेती कम हो गई है। इसके पीछे का कारण है कि लोग बड़े शहरों में चले गए हैं, पान की डिमांड कम हो गई है तो लोगों ने खेती करना कम कर दिया है। लेकिन फिर से यवतमाल जिले में रहने वाले पान के किसानों के दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि उनके द्वारा उपजाए गए पान की डिमांड अमेरिका से आने लगी है। दुनिया जिस पान के पत्ते की दीवानी है, उसे उगाने वाले किसानों की माली हालत आमतौर पर खराब है। पिछले कुछ सालों से पान की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। ज्यादा मेहनत और कम मुनाफे के कारण युवा वर्ग इससे दूर हो रहा है। पान की खेती अक्सर प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी बर्बाद हो जाती है, जिससे किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए पान किसान सरकार से प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान की मांग कर रहे हैं। पान किसान संतोष बताते हैं कि जिस रेट पर पान के पत्तों को उनके बाप दादा बेचते थे, उसी रेट पर उन्हें भी बेचना पड़ रहा है। दुनिया बदल गई, महंगाई बढ़ गई, लेकिन उनकी स्थिति नहीं सुधर रही है। वे कहते हैं कि पहले पान की खेती में मुनाफा था, लेकिन अब सरकारी उदासीनता और बढ़ती महंगाई की वजह से हर साल किसान पान की खेती से किनारा कर रहे हैं। जो हम पान की खेती करते तो उसमें जो मेहनत है उसका हमको रेट नहीं मिल रहा। वो 1000 पान हम 100 रुपए में देता तो इसका क्या मालिक को 50 रुपए जाती 1000 की और हमको 150 रुपए उड़ती। पर उसमें कैसा है, हमारा जो कुटुंब चालू है उसका ये नहीं हो रहा, मुझे पालन नहीं हो रहा। इसलिए हमको सरकार को विनंती है कि इसको भाव थोड़ा ज़्यादा मिला। और ये क्या है, दूसरी बात कि जो हमारे वो पानी पड़ने के हवे से बहुत नुकसान होती है, गारपीट होती है, तो हमारा सरकार का इधर कोई मुझे अनुदान नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। ये कैसा है, वो बहुत नुकसान होता है उसका और खर्चा भी बहुत लगता। पन ऐसा हो रहा कि हमारे को संसार को जो लगता वो नहीं पूर रहा समझो। यवतमाल के इन पान के पत्तों की मांग देश विदेश में है। गांव के किसान उत्पादक संगठन के निदेशक रामेश्वर इलाके में उपजने वाले पान के पत्ते को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता और स्वाद के लिए मशहूर इन पान के पत्तों से बना पान मसाला अमेरिका के सैंटियागो में खूब पसंद किया जा रहा है। सैंटियागो के अंदर हमारे गांव का एक बंदा है, वहाँ पे जॉब करता है और बिजनेस भी करता है, उनके खुद के रेस्टोरेंट है 3। तो वो जब यहाँ पे आए थे उनको हमने ये प्रोडक्ट दिया, क्योंकि गांव का है तो उनको लगाव है पान से। तो हमने जो डेवलप किया था मूल्यवर्धन इसके अंदर से, इससे उनको भी अच्छा लगा, तो उन्होंने सैंपल लेके गए साथ। सैंपल लेके जाने के बाद उनके रेस्टोरेंट में उन्होंने रखा, वहाँ के लोकल लोगों को दिया टेस्ट के लिए। टेस्ट करने के बाद उनको भी पसंद आया,
तो उन्होंने वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट दी है 200 किलो की, तो उसके लिए भी ग्राफिक्स का भी काम डेवलप हुआ है और एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एबी अबड़ा के जो महाराष्ट्र के हेड है प्रशांत जी वाघमोड़े साहब, वो दोनों हमें हेल्प करते हैं इस बारे में। और लोकल से प्रमोशन करने के लिए हमारे तालुका कृषि अधिकारी है मिस्टर दिगंबर बलवंतकर, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है कि रेट क्या होना चाहिए, क्या मार्केट गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या चाहिए। पान का इस्तेमाल केवल बड़े स्तर पर खाने में ही नहीं बल्कि धार्मिक कार्यक्रमों में भी किया जाता है। पान के पत्ते सिर्फ सांस्कृतिक और मांगलिक कार्यक्रमों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं। पान के पत्ते में कई तत्व ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के असर को कम करने में सहायक होते हैं। जिन लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है उनके लिए इसका सेवन काफी लाभदायक है। मसूड़ों में गांठ या सूजन हो जाने पर पान का इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है। पान का एनाल्जेसिक गुण सिरदर्द में भी आराम देता है। चोट लगने पर पान का सेवन घाव को भरने में मदद करता है। ये सूखी खांसी दूर करने में भी मददगार होता है। सर, पान की खूबी मैं बोलूँ तो पहले ये अपन पूजा में इस्तेमाल करते हैं, इसके वास्ते इसको पहला प्राधान्य पूजा से मिले वाला है। और खाने के सेहत के लिए मैं बोलूँ आपको तो सेहत के लिए जो हमने आज तक इसका जो टेस्ट करे ये करे तो समझो कर्क रोग जो है कैंसर जिसको बोलते हैं अपन उसमें कम करने वाले जो घटक है जो इस पत्ते में है वो कम करने के वो रिपोर्ट भी हमने निकाले वाले हैं उसके टेस्ट करके। और सभी समझो पेट की जो समस्याएं होती है वो समस्या का निराकरण है सर इसमें, कोई भी छोटी मोटी सब बीमारी का निराकरण इसमें है सर। पान भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत में पान को आदर सत्कार और परस्पर प्रेम का प्रतीक माना गया है। लोग खाना खाने के बाद मुंह का स्वाद ठीक करने और सांस को सुगंधित बनाने के लिए पान खाते हैं। सांस्कृतिक महत्व के अलावा पान के अन्य कई लाभ भी हैं। पान पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद होता है। ये सलाइवरी ग्लैंड को सक्रिय करके लार बनाता है जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। कब्ज की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए भी पान का पत्ता चबाना लाभदायक होता है। कुल मिलाकर पान भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इसके सम्यक उपयोग से हमें कई लाभ प्राप्त होते हैं, बस जरूरत है इसके सांस्कृतिक आर्थिक एवं औषधीय महत्व को समझने की तथा साथ ही पान उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने की। महाराष्ट्र के यवतमाल से mandi.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। mandi.com में आज बस इतना ही, अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।